टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट सी एस लुइस के बारे में पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यूजीसी नेट के पेपर में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन डेप्थ एनालिसिस भी आ चुका है इनका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में भी इनके वर्क्स पूछ चुके हैं। इनका फेमस वर्क कौन सा है? क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर, लिटरेरी स्कॉलर, एंग्लिकन ले थियोलॉजियन। ही हेल्ड अकेडमिक पोजिशंस इन इंग्लिश लिटरेचर इन बोथ मैगडलिन कॉलेज में भी और ऑक्सफोर्ड कॉलेज में भी। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम एक ही कॉलेज से डिग्री लें, और आजकल के न्यू स्कीम की वजह से भी हम अपनी पढ़ाई अगर कहीं बीच में छूट जाती है तो दूसरे कॉलेज से उसको उसी ईयर से आप कंटिन्यू कर सकते हो और आपको पहले वाली डिग्री मिल जाएगी। सो इन्होंने साथ ही साथ किया अपना मैगडलिन कॉलेज से भी और ऑक्सफोर्ड कॉलेज से भी। ही इज़ बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, बट ही इज़ ऑल्सो नोटेड फॉर हिज अदर वर्क्स ऑफ फिक्शन, जैसे स्क्रू टेप लेटर्स, द स्पेस ट्रायोलॉजी, ये सारे इनके वेल नोन वर्क्स हैं। क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स, मेयर क्रिश्चैनिटी, मिरेकल्स, द प्रॉब्लम ऑफ पेन। तो प्रॉब्लम ऑफ पेन भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन रह चुका है। लुइस वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ जे आर आर टॉल्किन, ऑथर ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ मैन सर्व्ड एज द इंग्लिश फैकल्टी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दोनों के एक इंग्लिश फैकल्टी की तरह काम करते थे ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में। इनका एक लिटरेरी ग्रुप भी था जो कि ऑक्सफोर्ड का, जो माना जाता है इंकलिंग्स, INKLINGS। अकॉर्डिंग टू लुइस 1955 में एक मेमोयर उन्होंने लिखा, सरप्राइज्ड बाय जॉय। ही वॉज बैप्टाइज्ड इन द चर्च ऑफ आयरलैंड बट फेल अवे फ्रॉम हिज फेथ ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, क्योंकि एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है वेर यू वॉन्ट टू यू नो रन केयर फ्री, तो वही लुइस के साथ हुआ। ही रोट अराउंड मोर देन 30 बुक्स इन हीज एंटायर लाइफ विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू मोर देन 30 लैंग्वेजेस विच हैव सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एनी राइटर। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया हैव सोल्ड द मोस्ट एंड हैव बीन पॉपुलराइज्ड ऑन स्टेज, टीवी, रेडियो एंड सिनेमा। ऑफन यू हैव सीन द मूवी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, इसके कई पार्ट्स भी आए हैं। 1956 में लुइस मैरिड अमेरिकन राइटर जॉय डेविड मैन। शी डाइड ऑफ कैंसर 4 ईयर्स लेटर एट द एज ऑफ 45। लुइस डाइड ऑन 22 नवंबर फ्रॉम किडनी फेलियर 1 week बिफोर हिज 65th बर्थडे। लुइस वॉज ऑनर्ड विद अ मेमोरियल इन पोएट्स कॉर्नर इज़ वेस्टमिंस्टर एबे। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ही वॉज अ काइंड ऑफ अ मैन जो बहुत ही ज़्यादा वाइड रीडरशिप को अट्रैक्ट करता था। 2008 में द टाइम्स रैंक्ड हिम 11th ऑन देयर लिस्ट ऑफ द 58th ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945। तो ये किसी भी राइटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब उसको टाइम्स जो है अपने एरिया में या फिर अपने उसमें बुक में पब्लिश करता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। नाउ इसके बहुत सारे वर्क्स हैं, नॉन फिक्शन भी हैं, एलिगरी ऑफ लव, द प्रॉब्लम ऑफ पेन, द केस ऑफ क्रिश्चैनिटी, अ प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ ही साथ फिक्शन की मैं अगर बात करूँ, फिक्शन में है पिलग्रिम रिग्रेस, स्पेस ट्रायोलॉजी का तीनों याद कर लेना, स्क्रूटेप लेटर्स, द ग्रेट डिवोर्स, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में द लायन विच एंड द वार्डरोब, वॉयज ऑफ डॉन ट्रेडर, सिल्वर चेयर, ये सारे आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो सीएस लुइस को छोड़ के नहीं जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन सो दैट यू गाइज गेट नोटिफाइड whenever I'll post the next important video. Thank you so much for watching.